नए मामले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को ओमान में 327 नए कोरोना वायरस मामले दर्ज किए हैं। उनमें से 222 नए मामले प्रवासी और 105 ओमानी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अनुसार देश में कुल मामले अब 6,370 हो गए हैं, जिनमें 1,821 अब स्वस्थ हैं और 30 मौतें भी शामिल हैं। 797 कैदियों को माफ किया। हिज मैजिस्ट्री सुल्तान हैतम बिन तारिक ने गुरुवार को अलग अलग मामलों के दोषी कैदियों को रॉयल पार्डन जारी किया। रॉयल क्षमा के जारी किए गए 797 कैदियों में से 301 अपराधी विदेशी नागरिक थे। ईद अल फितर के अवसर पर ये माफी दी गई। भारी जुर्माना। गुरुवार को लोक अभियोजक ने खुलासा किया कि सर्वोच्च समिति के फैसलों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारी कार्रवाई की जाएगी। ये बताया गया कि 6 महीने की जेल, जुर्माना और निर्वासन की सजा को सर्वोच्च समिति के निर्णयों का पालन नहीं करने के लिए लागू किया जाएगा। संस्थागत और घरेलू संगरोध नियमों का पालन नहीं करने के लिए 200 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रत्येक अपराधी को 48 घंटे के लिए कैद किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति एकत्र किया गया जुर्माना 100 ओमानी रियाल होगा और मास्क नहीं पहनने पर 20 ओमानी रियाल का जुर्माना होगा।